हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर डिलीट फेसेस करके कमांड आता है, रिमूव फेस करके कमांड है, और यहाँ पर सॉलिड सॉलिड कंबाइन, यहाँ पर स्टिफनर और सॉलिड कंबाइन वो देखना है। पहला डिलीट रिमूव फेस पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये रिमूव फेस पहले देखो, समझो यहाँ पर ये कोई सॉलिड पार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ कटिंग वगैरह कर लिया, समझो यहाँ पर पॉकेट कमांड लेके कुछ स्लॉट वगैरह बना लिया, पॉकेट कमांड लिया, ये यहाँ पर स्केच लिया, और यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ स्लॉट वगैरह बना लिया, रफली साइज वगैरह बना लिया, इसके से बाहर निकल गए, और यहाँ पर एक्सट्रूड कट कमांड लिया, डेप्थ वगैरह यहाँ पर सेट कर लिया, समझो 10 का वगैरह, 10 का डेप्थ वगैरह यहाँ पर सेट कर लिया। अभी यहाँ पर ये स्लॉट समझो निकालना है, समझो कोई फीचर नहीं चाहिए, अगर उसको रिमूव करना है तो यहाँ पर डिलीट फेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर रिमूव फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेसेस टू रिमूव के लिए समझो ये स्लॉट का फेस सिलेक्ट किया, और फेसेस टू कीप के लिए ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, सॉरी डिलीट फेस के लिए समझो यहाँ पर कौन सा फेस निकालना है, समझो ये टॉप फेस निकाल, ये अंदरूनी फेस निकालना है, और फेसेस टू क्लिक के लिए उसके लिए इस बॉक्स पर क्लिक किया, और बाद में यहाँ पर इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया, ये फेस रखना है, ओके दिया। तो यहाँ पर जो फेस या फिर जो फीचर नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ स्लॉट वगैरह कट किया रहेगा, गलती से हुआ रहेगा, वो निकालना है तो रिमूव फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। भौतिक तरी उद्या 8 वाजता सर, तरी मैं कन्फर्म मैसेज में तो फोन कर, ओ सर बाद में यहाँ पर यस, अगला फीचर है सॉलिड कंबाइन का, यहाँ पर अगला अगला है सॉलिड कंबाइन का, समझो यहाँ पर इस फेस पर एक स्केच वगैरह बना लिया, इस फेस पर यहाँ पर एक फेस बना लिया, स्केच वगैरह बना लिया, और यहाँ पर कुछ शेप वगैरह बना लिया, स्प्लाइन वगैरह लेके यहाँ पर शेप वगैरह बना लिया, ये जब भी अंदर का सर्कल फील्ड सर्कल रहता है तो एग्जैक्ट एंड पॉइंट रहता है। यहाँ पर इसके से बाहर निकल गए, बाद में यहाँ पर ये फेस पर और एक फीचर या फिर स्केच वगैरह बना लिया, स्केच से बाहर निकल गए, पहले स्केच से पूरा बाहर निकलना पड़ेगा, वापस यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, और ये फेस सिलेक्ट किया, ये
यहाँ पर और एक स्केच बना लिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। ये दोनों को अगर कंबाइन करना है तो यहाँ पर सॉलिड कंबाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सॉलिड कंबाइन को मान लिया, सॉलिड कंबाइन लिया, फर्स्ट कंपोनेंट लिया, ये फर्स्ट कंपोनेंट लिया और सेकंड कंपोनेंट लिया, ये सेकंड कंपोनेंट लिया। तो दोनों जहां पर इकट्ठा होते हैं वहां पर वो दोनों इंटरसेप्ट होते हैं, वहां पर कंबाइंड पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो वैसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अगर बनाना है तो वैसा सॉलिड कंबाइंड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला आता है स्टिफनर कमांड। स्टिफनर कमांड पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बता देते हैं। यहाँ पर समझो कोई सॉलिड पार्ट बनाना है, यहाँ पर स्टिफनर का भी इस्तेमाल होता है। एक पार्ट वगैरह बना के लिखा था, सॉलिड वर्क्स यहाँ पर एक पार्ट बनाना है, एक पार्ट बनाना है समझो। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया तो नया पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर पार्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर स्केल बटन पर क्लिक किया, ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया। आधा पार्ट बनाया जा सकता है और बाद में सिमेट मिरर किया जा सकता है। और वापस यहाँ पर मिरर कर लिया, सेंटर लाइन बनाया और इसका मिरर कर लिया, यहाँ पर मिरर कमांड लिया। यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज दिखाता है, सिलेक्ट द सेट ऑफ एलिमेंट्स टू बी डुप्लीकेटेड बाय सिमेट्री। यहाँ पर ये लेफ्ट राइट सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मिरर कमांड लिया। यहाँ पर सिलेक्ट लाइन और एक्सिस, एक्सिस के लिए ये लाइन सिलेक्ट किया, इस सेंटर लाइन रहेगा तो बेहतर है, तो इसका मिरर किया जा सकता है। यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग वगैरह देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डायमेंशन देना है तो ऑटो कांस्टेंट वगैरह लिया जा सकता है। यहाँ पर कांस्टेंट फिक्स टुगेदर, यहाँ पर ऑटो कांस्टेंट लिया तो डायरेक्टली डायमेंशन आप बना सकते हो। एलिमेंट्स टू बी कांस्टेंट के लिए ये सभी स्केच सिलेक्ट किए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट का सभी सिलेक्ट करो। रेफरेंस एलिमेंट के लिए समझो डायमेंशन ओके लिया तो डायमेंशन इसको तैयार हो सकता है। ये सेट करना पड़ेगा, इसका हाइट कितना है, ये टोटल हाइट दिखा रहा है 40+9 का है, ये डिलीट किया, ये डायमेंशन मुझे नहीं चाहिए। ये जिस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है उस तरह से ही बनाए तो बेहतर है, तो ये डिलीट कर लिया। और यहाँ पर
नया डायमेंशन बनाना है तो यहाँ पर कांस्टेंट बटन पर क्लिक करके डायमेंशन वगैरह बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से डायमेंशन दोगे उस तरह से ही वो ड्राफ्टिंग में वो डायमेंशन तैयार होते जाएगा। इसको 40 का बना, ये हाइट 9 का बना लिया। ये विड्थ अभी टोटल लंबाई देना है, इसको डिलीट किया। ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, यहाँ पर इसका लंबाई 90 का कर लिया। इसका विड्थ यहाँ पर कितने का कर लिया, रिमूव कर दो। डिलीट करना तो डिलीट कर लिया, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया। इसका लंबाई कितने का करना है वो यहाँ पर सेट किया सकता है, 9 का करना है तो 9 सेट किया। ये थोड़ा ऊपर लेके देखते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा कि कैसा ऑब्जेक्ट है। ये 75 का है, सॉरी 90 का गलती से हो गया, ये 75 का बनना है। बाद में ये लाइन का जरूरत नहीं, तो डिलीट किया, दो लाइन है शायद, ये भी डिलीट किया। अभी यहाँ पर सर्कल या आर्क बनाना पड़ेगा, यहाँ पर सर्कल कमांड लिया, सेंटर पॉइंट आर्क लिया, सेंटर पॉइंट लिए ये सेंटर पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट लिए स्टार्ट पॉइंट लिया और अंदर से आर्क बना लिया। बाद में डायमेंशन दिया जा सकता है, सेंटर पॉइंट लिए सेंटर पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आर्क बना लिया। ये आगे बढ़ाना है तो एक्सटेंड एंटिटीज दिया जा सकता है। लाइन इधर बढ़ाया जा सकता है और वैसे ही यहाँ पर ये लाइन आगे बढ़ा लिया। ये लाइन अगर इसको रेडियस वगैरह देना है तो यहाँ पर कांस्टेंट में से यहाँ पर कांस्टेंट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर रेडियस वगैरह दिया जा सकता है। ये डायमीटर 30 का है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पर 15 का हो जाएगा। वही यहाँ पर ये 15 प्लस 8 साइज है, 15 प्लस 8 यहाँ पर टाइप किया जा सकता है, जो लाइन नहीं चाहिए वो ट्रिम कर लिया, यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज दिया तो इसको ट्रिम किया जा सकता है या फिर डिलीट किया जा सकता है। तो ट्रिम लिया, डबल क्लिक किया तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। ऑप्शन करना पड़ेगा, बीच वाला लाइन भी यहां पर ट्रिम किया। ये लाइन भी एक लेवल पर रखना है तो यहां पर ये प्रॉब्लम है, कमांड से बाहर निकलना है, स्किप लिया। ये सेंटर पॉइंट कौन सा दिख रहा है, एक लेवल पर रखनी है तो ये लाइन सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ये लाइन सिलेक्ट किया,
यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में से यहाँ पर पैरेलल तो है नहीं, यहाँ पर कोइंसाइड देख रहे हैं, तो ये एक लेवल पर रहेगा। फिर भी ये ब्लू कलर में नहीं, ग्रीन कलर में नहीं सेट हो रहा है, इसका साइज कम ज्यादा हो सकता है, इसके लिए इसको 940 का हाइट सेट कर लिया। ये लाइन ये और इसका ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन ले, इसका हाइट इसको 40 का कर लिया। अभी ये ग्रीन कलर में आया हुआ है। ये स्केच से बाहर निकलना है, यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया और ये दोनों साइड में सेम एक्सट्रूड होना है, तो यहाँ पर पैड में यहाँ पर मिरर एक्सटेंड ऑन रखा, यहाँ पर आधा वैल्यू देना पड़ेगा। ये टोटल लंबाई कितना है, 52 का है, 52 से आधा, 52 डिवाइडेड बाय 2 टाइप किया तो ये 26 का हो जाएगा। तो प्लेन बीच में रहता है। बाद में यहाँ पर अभी स्टिपनर बनाना है, तो पहला स्केच बनाया जा सकता है। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर मिडल प्लेन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर यहाँ पर लाइन अगर बनाने जाएंगे, समझो लाइन बनाने शुरुआत किया, तो यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट हमको नहीं मिलता है, तो टेम्परेली रेफरेंस, केटीएम में टेम्परेली रेफरेंस आपको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए कॉन्स्टेंट टूल बार में से यहाँ पर कॉन्स्टेंट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया और ये एज सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये एज तैयार हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, ये एज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन तैयार हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बना लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, तो इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। अभी ये रेफरेंस आपको डिलीट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट से आपको पहला रेफरेंस बनाना पड़ता है और उसको डिलीट करना पड़ता है। ये एक तरीका हो गया, या फिर दूसरा तरीका है कि पहले रफली लाइन बना लो और बाद में इस पॉइंट को कोइंसाइड कर लो, ये दूसरा तरीका हो गया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकलना है, तो यहाँ पर एग्जिट वर्क बेंच लिया, तो स्केचर से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर अभी रिब को यहाँ पर स्टिफनर बोला जाता है, यहाँ पर स्टिफनर कमांड लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली फ्रॉम साइड ऑप्शन लिया, तो स्टिफनर यहाँ पर बनाया जा सकता है। विड्थ कितने का रखना है, वो विड्थ यहाँ पर सेट किया जाएगा। विड्थ अभी कितना है, 8 का रखना है, तो 8 टाइप कर लिया, तो 8 का रिफ तैयार हो जाएगा। वो कैसा तैयार हुआ पता नहीं है, तो उसको मॉडिफाई करना है, तो ये फीचर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर स्टिफनर वन प्रोजेक्ट, स्टिफनर वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और डेफिनेशन में गए, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर न्यूट्रल फाइबर ऑन रहता है तो दोनों साइड में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, न्यूट्रल फाइबर ऑफ रखा तो एक साइड में चला जाता है। यहाँ पर भी ये पूरे दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में चाहिए तो रिवर्स डायरेक्शन लिया, या फिर आधा आधा डिवाइड होना चाहिए तो न्यूट्रल फाइबर ऑन रखा। यहाँ पर स्टिफनर का डायरेक्शन पार्ट की तरफ चाहिए, अगर हवा में जाता रहेगा तो भी स्टिफनर तैयार नहीं होता है, रिब या वेज को यहाँ पर स्टिफनर बोला, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर विड्थ कितने का रखना है, वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है, समझो 8 का रखना है, तो 8 टाइप किया, फ्रॉम साइड ऑप्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा और ओके दिया, तो यहाँ पर स्टिफनर तैयार किया जाएगा। वैसा ही स्टिफनर आपको लेफ्ट साइड में भी बनाना है, बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टिफनर पहला फीचर भी लिया जा सकता है, पहला फीचर सेलेक्ट किया और यहाँ पर स्केच बनाए, नहीं तो स्केच बनाने के लिए स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर मिडल प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ पर पहला रफली लाइन बना लिया, ऐसा भी कर सकते हो, पहला रफली एक लाइन बना लिया, हवा में एक लाइन बनाया
अभी ये पॉइंट इसको कोइंसाइड करना है, तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स में से यहाँ पर इसको कोइंसाइड कर लिया, ओके लिया। वैसे ही इधर का भी पॉइंट कोइंसाइड किया जा सकता है, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये इसको कांस्टेंट डेफिनेशन में से कोइंसाइड कर लिया। और बाद में स्केचर में से बाहर निकल गए और यहाँ पर स्टिफनर बनाया जा सकता है। ये रिब का डायरेक्शन हमेशा स्टिफनर का डायरेक्शन पार्ट की दिशा में चाहिए, ये अगर हवा में जाता रहेगा तो भी स्टिफनर तैयार नहीं होता है, तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा, तो ये वापस पार्ट की दिशा में तैयार हो जाता है। ओके दिया, अगर बराबर लगता है तो ओके दिया, तो वैसा स्टिफनर यहाँ पर बना जाएगा। ये पार्ट को सपोर्ट करने के लिए रहता है, ये यहाँ पर दिख नहीं रहे लेकिन वहां पर वो रहता है, तो इस तरह से स्टिफनर आप बना सकते हो। ये साइड से स्टिफनर बन गया है, अगर टॉप से बनाना है तो यहाँ पर समझो पार्ट लिया, यहाँ पर समझो कोई पार्ट वगैरह बना लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप लाइन सिलेक्ट किया, इसको कुछ थिकनेस वगैरह देख रखा। अभी ये अंदर से हॉलो करना है तो शेल लिया, थिकनेस कितने का रखना है समझो, एक का रखना है तो एक सेट। यहाँ पर शेल में भी प्रॉब्लम है, ये शेल कमांड लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शेल वन ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर डेफिनेशन में गए और यहाँ पर कौन सा फेस निकालना है समझो, टॉप फेस निकालना है तो ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये फेस अंदर से हॉलो हो जाता है। अभी यहाँ पर इसको समझो हॉरिजॉन्टल में अगर कप्पे बनाने हैं तो उसके लिए भी स्टिफनर लिया जा सकता है, यहाँ पर स्टिफनर कमांड लिया, कमांड लिया, यहाँ टॉप फेस सिलेक्ट किया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया, थोड़ा जूम कर, यहाँ पर थोड़ा जूम करने के लिए यहाँ पर व्यू का टूल बार लाना पड़ेगा शायद, यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर व्यू का टूल बार लेना पड़ेगा। यहाँ से व्यू में से यहाँ पर जूम जूम आउट किया जा सकता है, यहाँ पर स्टिफनर कमांड दिया, यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्टिफनर कमांड लिया,
टूलबार दिखने लगा है। तो यहाँ पर किसी भी टूलबार पर क्लिक किया और यहाँ से व्यू का टूलबार लग रखा है। अभी दिख रहा है। यहाँ से जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। यहाँ से स्टिफनर कमांड लिया, यहाँ से भी लाइन वगैरह बना लिया। ये तो रेफरेंस वगैरह बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर रेफरेंस आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बाउंड्री का एजेस सिलेक्ट किया, ये नहीं बनाया तो भी चलेगा सर। थोड़ा लेंथ को लाइन अगर कम कम ज्यादा होता है तो भी चल जाता है, जैसा डिवीजन चाहिए या फिर जैसा कंपार्टमेंट बनाना है वैसा लाइन रफली बना लिया, बाकी लाइन आगे एक्सटेंड की जा सकती है, एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ पर ये लाइन एक बनाया, वैसे ही यहाँ पर भी एक लाइन बनाया। ये रेफरेंस डिलीट किया, यहाँ पर स्केचेस से बाहर निकल गए। अभी यहाँ पर फ्रॉम साइड की जगह यहाँ पर फ्रॉम टॉप ऑप्शन दिया, तो यहाँ पर वैसा कंपार्टमेंट तैयार हो जाता है। अगर लाइन का लंबाई कम होता रहेगा तो वो एक्सटेंड भी होती है। यहाँ पर प्रीव्यू देखे रखा, अगर बराबर लगता है तो ओके दिया, तो वैसा स्टिफनर से हम कंपार्टमेंट बॉक्स के अंदर बना सकते हैं। इसके लिए भी स्टिपनर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर और एक पार्ट कोई बना के दिखाता हूँ, छोटा सा पार्ट वगैरह रहेगा, तो ये पहला वाला पार्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ पर पार्ट टाइप कर लिया, यहाँ पर भी पहला ये पार्ट बनाते वक्त जिसका लंबाई सबसे ज्यादा रहता है वो फ्रंट व्यू पकड़ा जाता है, या फिर बहुत बार एरो का डायरेक्शन दिया रहता है वो एरो का या फिर एक्स का डायरेक्शन दिया रहता है वो फ्रंट व्यू पकड़ा जाता है। मतलब ये फ्रंट व्यू है, ये राइट हैंड साइड व्यू और ऊपर वाला टॉप व्यू, तो उसके हिसाब से हमको व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन से व्यू से बनाना शुरुआत किया तो एंड तक हमको सेम लेंथ मिल सकता है। अगर राइट व्यू से बनाना शुरुआत करेंगे तो एंड तक हमको सेम लेंथ मिल सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, और यहाँ पर प्लेन बना लिया। आ गया बराबर, यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया,
यहाँ पर प्लेन लेना है, समझो प्लेन को उसको एक्सपांड करके मिनिमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लेन दिखना है तो यहाँ पर व्यू में से यहाँ पर फिट टू ऑल लेना पड़ेगा शायद। यहाँ पर व्यू कट बार प्रॉपर दिख नहीं रहा था, यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर लिया, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो प्लेन दिख रहा है, शायद राइट में रहेगा, या फिर वाइजेड प्लेन सिलेक्ट किया समझे। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ से वाइजेड प्लेन सिलेक्ट किया, तो वाइजेड प्लेन पर हम स्केच बना सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट की तरह है, यहाँ पर प्रोफाइल ओरिजिन पॉइंट नहीं दिख रहा, ये प्लस पर क्लिक, यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया। ये ऐसा सिंबल आता है, वो रिबिल्ड का सिंबल रहता है, उसके लिए यहाँ पर एडिट में से यहाँ पर एक बार अपडेट कमांड लेना पड़ता है, यहाँ पर एडिट में तो भी अपडेट कमांड रहेगा। यहाँ पर व्यू में से अपडेट कमांड लेना पड़ेगा, यहाँ पर एडिट पे नहीं, यहाँ पर इंसर्ट में नहीं, रिबिल्ड कमांड शायद बाहर रहेगा। यहाँ पर पहला रफली स्केच बना लेते हैं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पहला स्केच वगैरह बना लेते हैं। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये स्केच बनाते वक्त वैल्यू देना है, तो टैब बटन से आप स्केच टूल्स टूल बार में आप वैल्यू भर सकते हो। यहाँ पर 12 का लाइन बनाए, ये भी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो जब भी ब्लू कलर में लाइन दिखाया जाता है तभी क्लिक करने का। हाइट ऊपर यहाँ पर कितने का दिया है, रफली लाइन बना लिया। विड्थ यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो इसको भी रफली बना लिया। यहाँ पर हाइट, इसका हाइट 9 का बनाना है, तो टैब प्रेस किया तो हाइट यहाँ पर 9 का बना लिया। विड्थ यहाँ पर 12 का बनाना है, हाइट यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, हाइट यहाँ पर 75 का बनाना है। विड्थ का भी पता नहीं है, विड्थ यहाँ पर 38 का देना है। अगर स्केच टूल्स टूल बार में वैल्यू देते हो तो वैसा डायमेंशन तैयार होते जाएगा। ये भी लाइन का लंबाई, दोनों के लाइन का लंबाई इक्वल रखना है, तो यहाँ पर इक्वल कांस्टेंट लिया जा सकता है। ये लाइन सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में गए और इसको इक्वल का कांस्टेंट देख रहे हो, इक्वल कांस्टेंट तो है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 कल या फिर कोइंसाइड देना पड़ेगा शायद, ये लाइन
ये दोनों लाइन एक ही लेवल पर रखना है, तो ये लाइन सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये लाइन सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन में गए और यहाँ पर कोइंसिडेंस कॉन्स्टेंट देके रखा, तो एक ही लेवल पर वो आ जाएगा। बाद में इसका लंबाई 63 का रखना है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट बटन पर क्लिक किया, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, इसका लेंथ यहाँ पर 63 का बना के रखा। बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको कोइंसाइड देके रखा, कॉन्स्टेंट डेफिनेशन में से यहाँ पर कोइंसाइड देके रखा, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर कोइंसिडेंस कॉन्स्टेंट देके रखा, तो फुली डिफाइंड ज्यादातर हो जाता है। यहाँ पर हाइट 25 का बनाना है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट बटन पर क्लिक किया, ये लाइन लिया, इसका हाइट 25 का बना के रखा। स्केच से बाहर निकल गए, लगभग पूरा डायमेंशन देके दिया जा चुका है। अभी इसको मटेरियल ऐड करना है, तो पैड का इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर पैडिंग लिया। यहाँ पर ये दोनों साइड में सेम रखना है, प्लेन अगर बीच में रखना है तो मिरर एक्सटेंड लिया जाएगा। ये टोटल लंबाई कितना है, 100 है, तो एक साइड में 100/2 आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 50 का तैयार हो जाता है। टॉप में से यहाँ पर स्लॉट कट करना है, तो यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया। एक तो यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज आता है, सिलेक्ट ए प्लेन प्लेनर फेस और स्केच, एक तो प्लेन ले सकते हो या फिर फेस ले सकते हो। समझो यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, तो फेस पर हम स्केच बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैक्सिमम साइज में बिठाना है, तो फिट ऑल इन लिया, मैक्सिमम साइज में बिठाया जा सकता है। यहाँ पर भी पहला रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट ऑन रखा, रेफरेंस दे सकते हो या फिर रफली स्केच बनाया और बाद में डायमेंशन दिया। कैटिया में डायरेक्टली रेफरेंस लाइन तैयार नहीं होता है, यहाँ पर स्केच बनाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली रेफरेंस लाइन तैयार नहीं मिलता है, आपको रेफरेंस पहले देन क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए कॉन्स्टेंट में से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया और बाद में वो डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक रेफरेंस लिया और बाद में ये एक लेफ्ट साइड का या फिर राइट साइड का कोई भी एक एज रेफरेंस लिया और बाद में यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया। बाद में इसको डायमेंशनिंग वगैरह दिया जा सकता है। कॉन्स्टेंट में से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, ये लाइन लिया और यहाँ पर ये एज लिया, इसका लेंथ कितने का रखना है, 25 का रखना है। इसका विड्थ यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट से यहाँ पर भी एज बनाना पड़ेगा, ये एज सिलेक्ट किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट से यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनाना पड़ेगा और बाद में यहाँ पर और एक डायमेंशन देना पड़ेगा, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ये 25 का रखना है। बाद में यहाँ पर ये 19 का रखना है, ये लाइन का लंबाई, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट बटन पर क्लिक किया, ये लाइन सिलेक्ट किया और इसको 19 का बना लिया। अभी ये रेफरेंस लाइन का जरूरत नहीं, तो ये डिलीट करना पड़ेगा, ये रेफरेंस आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये एक तरीका है, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप डायमेंश एज को डायमेंशनिंग दे सकते हो। यहाँ पर ये हमको पता है कि ये एज इस एज पर सेट करनी है, तो ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये एज सिलेक्ट किया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको कोइंसाइड कर लिया, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्ट किया,
पहले इस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट किया कॉन्स्टेंट डेफिनेशन में से, यहाँ पर इसको कोइंसाइड कर लिया, तो ये इस लाइन को कोइंसाइड की जा सकती है। और बाद में इसको अभी कट करना है, तो यहाँ पर पॉकेट लेना पड़ेगा, यहाँ पर पॉकेट कमांड लिया, और डेप्थ कितने का रखना है वो इस यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, 38 का रखना है, तो 38 डेप्थ किया, यहाँ पर प्रीव्यू देख रखा है, और बराबर लगता है तो ओके दिए, तो वैसा प्रीव्यू यहाँ पर तैयार किया जाएगा। वैसे इसको रोटेट वगैरह करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में से भी और एक कटिंग करना है, इससे भी ये कंपास से भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। ये सिलेक्ट किया तो इसको रोटेट किया हो सकता है। मैक्सिमम साइज में बिठाना है तो यहाँ पर फिट ऑल इन ऑप्शन देना पड़ेगा, यहाँ पर व्यू टूलबार नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कटिंग करना है तो ये फेस यहाँ पर लिया जा सकता है, यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये फ्रंट फेस सिलेक्ट किया, तो फ्रंट फेस पर हम स्केच बना सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल व्यू, यहाँ पर फिट ऑल ले लिया तो मैक्सिमम साइज में बिठाया जा सकता है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, और यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये सिलेक्ट किया, ये एक ही लेवल पर रखना है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन को इंसर्ट कर लिया। वैसा आपको इंडिविजुअल डायमेंशन देना पड़ेगा, या फिर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन कॉन्स्टेंट बटन पर क्लिक करके ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, और इनके बीच जीरो डिस्टेंस सेट कर लिया, लेकिन वो डायमेंशन बढ़ जाता है, इससे बेहतर है कि आप कोइंसाइड कर लो। ये लाइन सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये सिलेक्ट किया, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन बटन पर क्लिक करके इसको कोइंसाइड कर लिया, तो ये एक लेवल में सेट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट से 32 की दूरी पर रखनी है, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया जा सकता है, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिस्टेंस 32 का सेट कर लिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, और ये अभी कट करना है तो यहाँ पर पॉकेट लेना पड़ेगा। अभी ये कहाँ तक कट करनी है मुझे ये पता है कि इस वर्टेक्स तक ही वो कट कर रही है, तो यहाँ पर डायमेंशन की जगह यहाँ पर अप टू वर्टेक्स लिया जा सकता है, अप टू प्लेन, वर्टेक्स नहीं दिख रहा है तो अप टू प्लेन लिया, यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया तो ये फेस तक ही वो कट करते जाएगा, आगे कट नहीं करेगा। तो वैसा एक एक फीचर ऐड करते हुए हमको पार्ट बनाना पड़ता है। ये अभी स्टीपनर हो गया, सॉलिड कंबाइन हो गया, और रिमूव फेस हो गया, और ये एक दो पार्ट बना के दिखाए। ओके, थैंक यू।